देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पुलिस उस वक्त सकते में आ गई जब मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक ईमेल आया। इस ईमेल में पुलिस को धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने सरकार से 500 करोड़ रुपए और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मांग। इसके साथ ही मेल में लिखा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हमला कर देगा। इसके साथ ही इस ईमेल में लिखा था कि भारत में सब चीज बिकती है और हमने कई चीजें खरीदी भी है। मेल में लिखा है कि कितनी भी सुरक्षा बढ़ा लेना लेकिन हमसे नहीं बचा सकोगे। इसके साथ ही ईमेल करने वाले ने इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई पुलिस से मेल का रिप्लाई भी करने को कहा है। धमकी भरे इस ईमेल के आने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई और साइबर पुलिस के साथ मिलकर आगे की जाँच कर रही है।